तो इसी हम बेसिकली मैं चलता होता हूँ कि आपको नॉन अननॉन से सॉरी नॉन से नॉन की तरफ अननॉन से अननॉन की तरफ सॉरी अननॉन से नॉन की तरफ लेके चलूँ। तो यस शाबाश सुहाना बच्चे, फीफा का भी जवाब ठीक है और भी किसी ने जवाब दिया है जुनैशा बच्चा ठीक है। तो विरचू अभी यहाँ यहीं से आपने एक चीज याद रखनी है, देर इज थ्रोम्बोसिस का टॉपिक है, उसके अंदर एक चीज होती है विरचूज ट्रायड ठीक है। आपको इसी रुडॉल्फ की कहानी से चलाई कि आपको ये वाला वर्ड याद रह जाए विरचूज ठीक है। ट्राइड का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब होता है तीन और एड का मतलब होता है चीजें उसके कंपोनेंट्स ठीक है। तीन चीजें हैं विरचूज ट्राइड के अंदर जो कि थ्रोम्बोसिस के फिनोमिना को सपोर्ट करती हैं। नंबर वन के ऊपर है एंडोथीलियम की इंजरी ठीक है। नंबर टू के ऊपर है हाइपर कोआगुलेबिलिटी यानी कि आपकी खून के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ भाग कर जाता है। और जो थर्ड चीज है इस ट्राइड के अंदर वो है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। अगर आप देखो इस ट्राइड को तो ये जो एरो है ये भी इरिवर्सिबल है, एबनॉर्मल से इसकी तरफ जो हाइपर कोआगुलेबिलिटी की तरफ आ रहा है ये भी इरिवर्सिबल है। जबकि अगर आप ये गौर करो तो ये क्या है दोनों तरफ यानी कि जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एंडोथेलियल इंजरी की वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो भी होता है और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से एंडोथेलियल इंजरी भी हो सकती है। एम आई क्लियर? ठीक है, विरचूज ट्राइड के तो तीन कंपोनेंट्स हैं, दो जो हैं आपस में एक दूसरे को वो कहते हैं ना सपोर्ट करते हैं कि एंडोथेलियल इंजरी हो रही है तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है तो एंडोथेलियल इंजरी होगी, और जो थर्ड वन है वो है हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट। ये तीनों चीजें जो है थ्रोम्बोसिस के फिनोमिना को यस करवाती है ठीक है। हम एक एक करके सबको देखते हैं कि इनकी क्या क्या इंजरीज क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं इन तीनों चीजों की ठीक है। तो एंडोथेलियम इंजरी की अगर हम कॉजेस गिनने बैठे तो वो तो भाई सफों का सफे भर जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हाइपरटेंशन है ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है और वेसल के ऊपर मैकेनिकल जिसे कहते हैं ना एक किस्म का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से एंडोथेलियम इंजरी होती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं वो टॉक्सिन क्या नाम है फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका शीगा टॉक्सिन जो होता है ठीक है, या बहुत सारे जितने बैक्टीरिया के टॉक्सिन होते हैं वो एंडोथीलियम को पर जाकर बाइंड करते हैं, उसकी एंडोथीलियम के सेल्स की इंजरी करते हैं और वो एंडोथीलियम के सेल मतलब कि वो डैमेज होते हैं। सिगरेट स्मोक के अंदर लाखों करोड़ों केमिकल्स होते हैं जो आपकी एंडोथेलियम की इंजरी को कॉज करते हैं। डायरेक्ट ट्रॉमा है फिजिकल ठीक है जिसकी वजह से एंडोथेलियम इंजरी हो सकती है। बर्न्स हैं जिसकी वजह से आपकी इंजरी हो सकती है ठीक है। थ्रोम्बोसिस्टिनेमिया एक कंपाउंड सॉरी एक जिसे कहते हैं ना एक अमीनो एसिड है ठीक है ड्राइव जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो एस्टर्स लिंकेज प्रोड्यूस होते हैं जो कि एंडोथीलियम की इंजरी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं ठीक है। तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि कॉजेस क्या है, आपको इसमें से तीन चार कॉजेस पता हो कि एंडोथीलियम की कॉजेस क्या है और एक सबसे बड़ी कॉज क्या है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे एंडोथीलियल इंजरी की कॉजेस क्या है तो आपने सबसे पहला बताना है कि सर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की सबसे पहली कॉज पूछे तो आपने एंडोथीलियम इंजरी को यस करवाना है ठीक है। तो अच्छा जी एंडोथीलियम की इंजरी हो गई तो क्या होगा आगे, हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि एंडोथीलियम इंजरी होगी उसके नीचे जो सब एंडोथीलियल क्या नाम है आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कोलेजन ठीक है और टिश्यू फैक्टर वो सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो एक्सपोज होंगे तो पूरा जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन का था या जो ब्लड क्लॉट होने का था ठीक है वो क्या नाम है एक तो वो वाला सीक्वेंस चल पड़ेगा कि वो वाला क्या नाम है कोलेजन वगैरह एक्सपोज होगी और इंजरी की और जो है ना हीमोस्टेसिस की तरफ जो फिनोमिना हमारा पूरे का पूरा चल पड़ेगा। जो सेकंड चीज होती है ना वो ये होती है कि आपके जो प्रोकोगुलेंट चेंजेस है ना वो आ जाती हैं एंडोथीलियम के अंदर, यानी कि एंडोथीलियम ऐसी हो जाती है वो कहती है हाँ हाँ भाई जान यहाँ पे क्लॉट बनना चाहिए ठीक है, प्रोकोगुलेंट वो वाली चेंजेस आ जाती है ठीक है। तो हमने उस पिछले लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी कि थ्रोम्बोमॉड्यूलिन एक प्रोटीन होती है जो कि थ्रोम्बिन को बाइंड करती है और थ्रोम्बिन फिर आगे क्या कर रही होती है
ब्लड क्लॉटिंग करवा दी होती है, ठीक है। जब वो थ्रोम्बिन को बाइंड करती है, थ्रोम्बिन को जब ये थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड कर लेगी तो थ्रोम्बिन वो वाला अपना काम नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथेलियम की इंजरी हो रही है, तो देर इज अ डाउन रेगुलेशन ऑफ थ्रोम्बोमोडुलिन, यानी कि थ्रोम्बोमोडुलिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थ्रोम्बोमोडुलिन कम होगी तो थ्रोम्बिन अपना इफेक्ट जो है वो ज्यादा देर तक शो करवाएगी और क्या नाम है आपका, थ्रोम्बस जो है फॉर्मेशन होती चली जाएगी। दूसरी चीज है एंटी फाइब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स। हमने पढ़ा था कि जो वो है, जो कोगुलेशन है वो अनचेक्ड ना चली जाए, तो सर्टन प्रोटीन होती हैं जिससे हम कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, ठीक है। वो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाती हैं और प्लाज्मिन फाइब्रिनोजिन को ब्रेक डाउन करवा कर क्या बनाती हैं, जरा जल्दी से बताएं। फिब्रिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, उस दिन सुनैशा ने पूछा था मुझसे, वही बताएंगे जी। जी डायमंड, शाबाश। तो एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स में क्या हो जाएगा, जो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स है ना, उनकी भी डाउन रेगुलेशन हो जाएगी और जो कोगुलेशन जो है वो अनचेक्ड चलती चली जाएगी। क्लियर है? जी बच्चों आगे चले। एंडोथेलियल इंजरी क्लियर हो गया है। चले ये बताएं, अपनी फिजिक्स का नॉलेज रिकॉल करें, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि दो तरह का फ्लो होता है फ्लूइड का, तो वो कौन कौन सा होता है, लीनियर टर्बुलेंस, ठीक हो गया, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, बेहतरीन हो गया, सारे सही बंदे बैठे हैं, बिल्कुल। दो तरह का फ्लो होता है, ठीक है। एक होता है आपका लैमिनार और एक होता है जिसको हम लीनियर भी कहते हैं, स्मूथ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, जो एक लैमिनार फ्लो होता है वो नहीं होता, यानी कि जो जो लेयर्स होती है डिफरेंट फ्लूइड्स की वो आपस में इन इक्वल डिस्टेंस पे होती है, जो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और एक दूसरी तरह का हमारे पास फ्लूइड की फ्लो के अंदर अबनॉर्मलिटी जो आ सकती है वो है उसका स्ट्रेसिस, कि फ्लूइड बह ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा हीमोडायनेमिक्स के अंदर जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो आता है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन के ऊपर तो वही है कि टर्बुलेंसी आ गई है, ठीक है। दूसरे के ऊपर क्या है कि वो स्ट्रेसिस हो गया है, उसका वो फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये हमारे पास हीमोडायनेमिक्स के अंदर दो तरह का ब्लड एबनॉर्मल ब्लड फ्लो आता है, क्योंकि जो लैमिनार है वो तो एबनॉर्मल हमसे कह नहीं सकते, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो दो तरह का होता है, स्ट्रेसिस और टर्बुलेंट। अब स्ट्रेसिस की क्या कॉज है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। अब फिब्रिलेशन के अंदर स्ट्रेसिस, स्ट्रेसिस का मतलब क्या है कि वो रुक गया है, वो फ्लो नहीं कर रहा। अब फिब्रिलेशन के अंदर स्ट्रेसिस कैसे आ जाती है बच्चों, वो इस तरह से आती है कि जब फिब्रिलेशन आ रही होती है ना आपके हार्ट के मस्कुलेचर के अंदर, तो कोई हिस्सा हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और कोई हिस्सा वैसे का वैसा पड़ा होता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि आपका जो करंट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो कोई पोर्शन बहुत तेज तेज से, हाँ बिल्कुल, कोई पोर्शन तेज से धड़क रहा होता है, कोई स्टैटिक पड़ा हुआ होता है, तो ब्लड सही तरह से पंप नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है, वहां पर आपने बिल्कुल ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा, जहां पर तो ब्लड फ्लो जहां वो वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वहां से तो ब्लड आगे पंप हो जाएगा, बाकी जो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा वहां पर क्या हो जाएगी, स्टेसिस हो जाएगी, ठीक है। बेड रेस्ट, यानी कि जब हम बेड रेस्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल हार्ट होता है आपका, ये जो गैस्ट्रोक्रीनियस सोलियस मसल्स होते हैं आपके लेग के, ठीक है। तो जब हम कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो जो अपग्रेड अपवर्ड जो फ्लो होना होता है ब्लड का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और स्टेसिस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो उस वजह से भी आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और दूसरा क्या है, टर्बुलेंट, टर्बुलेंसी हमने नॉर्मल फ्लो के अंदर भी यही देखी थी कि आपका लैमिनार फ्लो जा रहा था, अचानक से जो आपकी ट्यूब का ल्यूमन था वो कम हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगी, टर्बुलेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। लाइक अगर हम कहें कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं,
कि ये आपकी ये ऐसे सीधी जा रही थी, ठीक है, और तो फिर क्या होगा, ये ऐसे जाते जाते वो अचानक जब वो कंट्रैक्ट करेगी तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, सीधा जाते जाते वो ऐसे, मतलब कि एक नर्विंग जहां पर आएगी तो वहां पर टर्बुलेंस ही लामहाला क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि टर्बुलेंसी, जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टेरियल नर्विंग होगी वहां पर टर्बुलेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो अब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हुआ तो उससे क्या होगा, नंबर वन के ऊपर तो वही के एंडोथेलियम की इंजरी होगी और उसके आगे वाले सारे इफेक्ट्स। और दूसरी बात क्या है कि नॉर्मली अगर आपने, अगर आपको फिजियो याद हो तो हम पढ़ते थे कि जो ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल के जो किनारों के ऊपर आपके प्लेटलेट्स नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं, WBCs और RBCs होते हैं। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करके आपको अगर शो करवाना चाहूँ, तो अगर ये मेरे पास ब्लड वेसल का ल्यूमन है तो ये जो दरमियान है ना, ये वाला दरमियान, यहाँ पर होंगे प्लेटलेट्स जो बिल्कुल आपकी, यहाँ पर पहले एक प्लाज्मा की लेयर होती है, प्लाज्मा के बाद यहाँ पर आपके ब्लड वेसल सेल्स होते हैं, WBCs और RBCs, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो दरमियान में होते हैं, ठीक हो गया। याद है ना ये किसी को, याद है कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ, इसने याद रखी हुई है फिजियो ये नहीं, चले अगर नहीं याद तो आप यहाँ अब याद कर लो, ठीक है। ऐसा होता है, अब जब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, कम इन दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एंडोथीलियम, यानी कि वो एंडोथीलियम के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। जब एंडोथीलियम के साथ वो कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो फिर वो भाई पिछले लेक्चर वाला सारी कहानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और नंबर टू के ऊपर क्या होगा, हमने बात की कि स्टेसिस हो जाता है ब्लड का, तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोकॉगुलेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि वो आपके पूरे के पूरे जितने भी वो कॉगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो ब्लड फ्लो की वजह से ना कहीं पर एक जगह पर टिकते नहीं है, ठीक है, वो वहां से वॉश आउट होते जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह वो कहते हैं कि जो चलता हुआ पानी होता है वो भी साफ होता है, कंज्यूम करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो यानी कि उसमें भी वो कहते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो उसमें वो वॉश आउट होते रहते हैं। तो इसमें भी यही इफेक्ट होता है कि ब्लड जहाँ पर चल रहा होता है वहां से जो कॉगुलेंट फैक्टर्स होते हैं ना वो वॉश आउट होते रहते हैं, लेकिन जब स्टेसिस आती है या टर्बुलेंसी आती है तो वो जो प्रॉपर वॉशिंग आउट मैकेनिज्म है वो लॉस आउट हो जाता है और वहां पर ब्लड जो है वो कॉगुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है आपके पास, क्या नाम है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास थर्ड जो फैक्टर था वो था हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स, यानी कि ऐसी स्टेट है जहां पर जो ब्लड की कोआगुलेशन की जो वो है ना, एक टेंडेंसी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसकी काजेज क्या है, प्राइमरी है, कुछ कुछ सेकेंडरी है, प्राइमरी के अंदर है जेनेटिक, और जेनेटिक में भी जो फैक्टर 5 है ना, ठीक है, उसकी म्यूटेशन, म्यूटेशन होती है तो क्या होता है वो एक्टिव हो जाता है ज्यादा और जो कॉगुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन से क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, डिफरेंट। फिर आगे इसमें आप अगर आप देखते जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8, 9, 10 और फिब्रिनोजन, यानी कि इनके इंक्रीज लेवल है तो एक कॉगुलेशन की जरा सा थोड़ा सा काम हुआ नहीं और क्या नाम है, और हल्ला बोल हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो ना कि क्या नाम है, जिस घर में, जिस घर की दीवारें कच्ची हो तो उसमें एक आधा चोर भी घुसे तो फिर वो सबको पता चल जाता है कि यार हाँ इसमें इसमें कोई कमजोरी है, ठीक है, तो वो सारे फिर वहीं पे घुसते हैं। तो यही बात है कि जब इनके लेवल ज्यादा होंगे तो जरा सा थ्रोम्बिन छिड़ा नहीं, इन सब ने आ जाना और हल्ला बोल देना, ठीक है। उसके बाद एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म जो है वो कम हो गए तो आपके अल्टीमेटली, ठीक है, तो यानी कि बच्चे अगर शरारतें कर रहे हैं, अम्मा अब्बा रोक ही नहीं रहे, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 ऐसे समझे कि वो उसको थ्रोम्बिन को शरारतें करने से रोक रही होती है, जब यही डेफिशिएंट होगी तो बच्चों ने तो शरारतें करनी है ना, तो उन्होंने बंद तोड़ के रखना है आप चीज को, ठीक है, तो वो कॉगुलेशन चलती जाएगी। प्रोटीन सी और एस अगर आपको याद हो, जो प्रोटीन सी होती है
वो क्या करती है, आपकी जो ये कॉगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना उनको इनएक्टिवेट करवाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एस। वो इसको अपना एज ए को फैक्टर यूज करती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी कि अगर वो डेफिशिएंसी होगी तो वो भी जिसे कहते हैं ना कॉगुलेशन फैक्टर्स जो है वो अनचेक्ड चलती चली जाएगी। फिब्रिनोलाइसिस के अंदर डिफेक्ट्स आ गए, होमोसिस्टिन यूरिया हमने बात की थी कि अगर वो बढ़ जाए तो एस्ट्रो लिंकेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और प्रोटीन जो है वो हाइपरकॉगुलेटरी स्टेट के अंदर चले जाते हैं। सेकेंडरी है वो है एक्वायर्ड, कि इनके पहले कुछ नहीं था बाद में कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें हम देखें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आती है ना वो ये आपकी आ जाती है बेड रेस्ट, ठीक है। कि बंदा पड़ा है उसका जो पेरिफेरल हार्ट है वो काम करना, मतलब कि पेरिफेरल हार्ट का यूज यानी कोई गैस्ट्रोक्नेमस सोलियस होते हैं उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाती है और वो जो स्टेसिस वाली कंडीशन आ जाती है, फिब्रिलेशन की तरफ चले जाओ आप, ठीक है। सर्जरी के अंदर फ्रैक्चर या बर्न, ठीक है। टिश्यू इंजरी बेसिकली उसके दौरान काफी सारे जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, इंटरल्यूकिन 13 वगैरह हो गए, ये रिलीज होते हैं। तो आपको बेसिकली इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ यही पता हो ना कि ये वाली चंद एक काजेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मोर देन एनफ है ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज होती है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये वाली बहुत जिसे कहते हैं ना आपकी फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से आपकी थ्रोम्बोसिस की तरफ जो चांसेस हैं वो क्यों बढ़ जाते हैं, किसी को है आइडिया? जी को आइडिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पता तो है ना आपको, पता तो वैसे होना चाहिए आपको, पढ़ा हुआ है कहीं पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? जी बच्चों यानी कि पढ़ा हुआ है, चलिए मैं ही बताता हूँ, इन एम्ब्रियो, हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब ज्यादातर तो आप इसमें थर्ड ईयर में पढ़ते हो ना, इसमें फार्मा में, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, फॉर बर्थ कंट्रोल। इसमें होता क्या है कि दो तरह की पिल्स होती हैं नॉर्मली भी, अगर आप देखें कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी स्किन जो होती है वो क्या होती है, एक तो वो स्किन जो होती है वो पतली होती है उनकी, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल्स, यानी कि मेल की जो स्किन होती है वो थिक होती है। प्लस फीमेल, अगर आपने देखा होगा कि जो ब्लशिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो गाल शाल लाल होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि फीमेल जो होती है उनके गाल जल्दी लाल होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि नंबर वन फीमेल की जो स्किन की वास्कुलरिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। इसलिए फीमेल के अगर कोई कट शट लग जाए तो मेल्स तो शेव वगैरह करवाते हैं, तो उनके कट शट लगे तो वो हल्का सा वो उनके पास वो पता नहीं क्या होती है वो लगा देते हैं आफ्टर शेव वगैरह, तो वो फौरन रुक जाता है। लेकिन फीमेल्स के केस के अंदर जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा देर तक होती रहती है। उसकी वजह ये है कि नंबर वन के ऊपर जो उनकी वास्कुलरिटी ज्यादा होती है, नंबर टू के ऊपर जो है उनके ब्लड में होता है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन जो होता है वो वेसोडायलेटर, ठीक है, वेसोडायलेटर है, तो वो क्या करवाता है आपकी ब्लड की स्टेसिस करवा देता है, यानी कि आर्टरीज को डायलेट करवा देता है, वहां पर ब्लड का स्टेसिस हो जाता है और थ्रोम्बोसिस वहां पर हो सकती है, ठीक है। जो आपकी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर है ना, इसके अंदर भी ये हार्मोन्स ही होते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो वो करवाती है इस तरह से। और नंबर टू के ऊपर के एक तो ये होगा ना कि एक वो डायलिटेशन करवा दी, दूसरी दूसरा जो मैकेनिज्म होता है ना वो ये होता है कि वो लिवर से जो प्रो कोआगुलेंट्स हैं या जो कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं वो उनकी सिंथेसिस को भी बढ़ा देती है, ठीक है, इस्ट्रोजन मेजर में। ओके हो गया, क्लियर है? दो बातें याद रखनी है, एक तो वो वहां पर डायलिटेशन और स्टेसिस हो जाएगी, नंबर टू पीछे से लिवर से जो है ना वो आपकी प्रो कॉगुलेंट का आउटपुट जो है वो बढ़ा देती है। ओके हो गया, ठीक है, आगे चले।